हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, है ना। और यहाँ पे ये है संडे मॉर्निंग की क्लिप। तो संडे का दिन ही ऐसा होता है कि उठने के बाद जो है एकदम से किचन में नहीं जाते हैं, क्योंकि सभी लोग घर पर होते हैं तो आराम से ही काम होता है थोड़ा सा। बस संडे में फ़र्क इतना ही होता है, बाकी काम तो वैसे ही चलते हैं, बट ये है कि उतनी स्पीड और उतनी जल्दबाजी, उतनी भागा दौड़ी नहीं रहती है। थोड़ा सा लाइफ में जो होता है रिलीफ होता है, आराम होता है। तो यहाँ पर मैं भी आ गई थी। मैंने यहाँ पर ना बच्चों की बुक्स सेट कर रही थी। तो बच्चों के क्या है, ये जो सेल्फ हैं ये अलग अलग हैं बुक्स के, ये बड़े वाले बेटे का और वो छोटे का। पर ये है कि मैं इनकी बुक्स को चेक करके अलग अलग कर रही थी, क्योंकि पढ़ते वक्त क्या होता है कई बार ये एक दूसरे की बुक्स जो है मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो अलग करके रख दूँ ताकि इनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बस बुक सेल्फ को मैंने अच्छे से साफ़ वाफ करके डस्टिंग भी कर दी थी। और अब यहाँ पे मैं आता है घर की डस्टिंग। तो कमरे की हालत देखो, ये ऐसी होती है क्योंकि सारे लोग, मैंने कहा था ना एक ही रूम में जब तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो ऐसे होता है, बट कोई बात नहीं। तो पर अच्छा लगता है भाई, एक ही रूम हो, सब मिलके बैठते तो है ना, तो अच्छा लगता है मुझे। तो बस अब यहाँ पे फिर मैंने वही डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी, सफाई करनी थी। तो सफाई करने से पहले डस्टिंग का काम तो मेन होता है। और आज है संडे, तो संडे को होता है ना कि कुछ स्पेशल बनता है। तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही थी इडली, इडली सांभर, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा लगता है ना। तो ऐसा जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो संडे को ही किया जा सकता है, छुट्टी वाले दिन, क्योंकि सभी लोग घर पे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, नहाने से पहले मैंने दाल को सब्जियों के साथ बॉईल करके रख दूँ। तो मेरा स्टाइल यही है सांभर बनाने का। वैसे और सबका अपना अपना स्टाइल होता है, कोई दूसरे तरीके से बनाता है, बट मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ काट के रख दी। तो सब्जियों का पता मैं क्या करती हूँ, सब्जियाँ जब लेकर आती हूँ, तो जब सब्जियाँ बनाती हूँ ना, तो जब मुझे पता होता है कि भाई संडे को वीकेंड पे मुझे सांभर बनाना है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी ना बचा लेती हूँ। तो इतनी तैयारी करने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर दी थी। और उसके बाद सबसे मेन काम होता है पूजा पाठ। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली और मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ा कर आ गई थी। और हो गई है पूजा पाठ, जो मेन काम होता है। और यहाँ पे मैंने ये सांभर के लिए जो सांभर बनाना है, और इमली भिगो के रख दी थी, और छत के लिए कड़ी पत्ता भी लिया, तो सांभर में इसका जो है से टेस्ट आएगा। सबसे पहले मैंने जो बैटर तैयार किया है, पहले मैं बैटर को दिखा देती हूँ। मैंने बैटर रखा किसमें था, और ये मैंने रखा था, ये इसलिए रखा था ताकि इसमें भी आ जाए। और ये आटे की टंकी में, कहते हैं आटे की टंकी में भी रख दो अगर, तो मुझे लग रहा था इसमें खमीरा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा मौसम तो चेंज हो ही गया है ना। और ये देखो, ये ऐसे ना मेरे पास ना मिंक ब्लैंकेट के पिल्लो कवर थे, तो मैंने उसके अंदर इसको रख दिया। अब चेक कर रही हूँ खमीरा आया है या नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया आया। देखो आज तेरे को बताती हूँ अन्ना स्वामी कौन है, स्पेशली बुलाएंगे उन्हें साउथ से, है ना। तो जो हमारे पुराने जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा कि अन्ना स्वामी कौन है। और जो नए मेरे फ्रेंड बने हैं यूट्यूब पर, तो उन्हें आज पता चल जाएगा कि अन्ना स्वामी कौन है। डाल दिया सरसों और ये कड़ी पत्ता। अब इमली पक गई है, अब इसमें मैं ये जो बॉइल कर रखी थी ना सब्जियां, ये डाल दूंगी। और अब डालूंगी मैं इसमें सांभर पाउडर। सांभर बन गया है और आज बनाया उत्तराखंडी सांभर। काफी लोग हैरान हो गए होंगे, उत्तराखंडी सांभर? तो भाई उत्तराखंड वालों ने बनाया तो उत्तराखंडी सांभर हो गया, पंजाब वाले बनाएंगे तो पंजाबी सांभर, हिमाचल वाले बनाएंगे तो हिमाचली सांभर। तो इसमें क्या लॉजिक सही है ना। हमारा उत्तराखंडी सांभर हो गया है तैयार। और ये देखो इसमें खमीरा भी अच्छे से आ गया। और अब बुलाती हूँ मैं अन्ना स्वामी को। बेबी वड़कम। ये अन्ना स्वामी और कोई नहीं, ये है बच्चों के पापा जी। तो चलो भाई थोड़ी हेल्प करा दो, काफी रिक्वेस्ट में बुलाया ना। तो ये थोड़ी हेल्प करा देंगे। हेल्प क्या, इसको भरने में है ना। पहले इसमें तेल लगाएगी, इसे वो चिपकेगी नहीं। हाँ नहीं, सही बोलती है अन्ना स्वामी। और इसमें ना मैंने पोहा भी मिला दिया है। पोहा जब पीसा था रात को, तो उसमें पोहा को भिगो के एक कटोरी वो भी डाल दिया था। तो देखो उससे भी काफी अच्छी बनती है, एकदम फ्लफी, फूली फूली और सॉफ्ट और एकदम व्हाइट। इडली स्टैंड ना काफी पुराना है, इसमें पानी रख दिया है। अन्ना स्वामी इसमें एक बार में कितनी बनती है? इसमें ऐसा पांच प्लेट है, चार यानी 20, एक बार में 20 निकलेगी। अरे तेज हो मैथ में अन्ना स्वामी। तो ये और ये आखिरी प्लेट भी मैंने लगा दी, फिट कर दी। और ये अब फाइनल। अब इसको इसमें डालो, ढक्कन लगा दी। और देखो इडली बन रही है, यहाँ पे अन्ना स्वामी ने रख दी है। ये सांभर भी बनकर हो गया है रेडी। तो ये
बंद मैं कर देती हूँ। और बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो होता है ना कि कुछ स्पेशल बने, तो रात को मैंने बच्चों को कहा था कि रात को नहीं दो दिन पहले कहा था कि मैं तुम्हारे लिए संडे को इडली बनाऊंगी, तो काफी खुश हो गए थे। और उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है ना, बच्चे खुश तो हम खुश। तो जब तक ना इडली बनती है और जब तक मैं इनको धो देती हूँ ताकि मेरे लिए ज्यादा बर्तन ना हो जाए। देख लो अन्ना स्वामी का साउथ से बुलाया। वैसे साउथ के लोग इडली बनाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं ना, इडली सांभर साउथ का ही आइटम ये। हाँ साउथ का ही आइटम है भाई ये ना, काफी पुराना है तो खानदानी इडली स्टैंड है हमारा। और मैंने देखा कि पुरानी चीज ही ज्यादा अच्छी होती है, तो सही कहा गया कि ओल्ड इज गोल्ड। और बच्चों के पापा जी कहते भी हैं अन्ना स्वामी, आज अन्ना स्वामी बोला जाएगा बच्चों के पापा जी नहीं, तो अन्ना स्वामी कहते भी हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, बट मैं ही मना करती हूँ कि नहीं चेंज नहीं करना भाई। जब इससे अच्छे से काम चल रहा है और अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो क्या जरूरत है फालतू में पैसे वेस्ट करने की, तो मैं ही उनको मना करती हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने ये बर्तन भी धो दिए हैं, तो सही रहता है इस तरीके से ना। मैंने कहा अगर इनको रख दूंगी तो ज्यादा हो जाए चुकी है। इडली बाहर निकाल दिया, एक टाइम में 20 इडली बनती है। तो हो गए हैं सारे काम, किचन क्लीनिंग भी हो गई। और बाहर में मशीन दिखा दी आपको जो इतना शोर करके रखी जिसने, सारे काम मेरे हो गए थे। और इसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ी देर अपने साथ बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा भाई अभी तुम एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सच कह रही हूँ, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा ही है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है एग्ज़ाम्स की पढ़ाई की। और यहाँ पे मैंने ना, ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्जी भी बना ली थी। बस अब चलिए व्लॉग को भी एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, गुड बाय।